फ्रेंड्स, आईसीआई ने एक सर्कुलर निकाला था 12 जून 2018 को। जो भी आर्टिकल शिप कर रहे हैं, चाहे वो डमी हो या एक्चुअल में कर रहे हो, उनको अब एग्जाम देना पड़ेगा। और दो लेवल पे एग्जाम होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। उससे रिलेटेड ये सर्कुलर निकाला। इस सर्कुलर को हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से इस एक्सेल शीट में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ, आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे ही आपने CPT का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद IPCC, आपने IPCC लेवल पे ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, या तो ग्रुप 1 के पास होने के बाद स्टार्ट कर दीजिए, या दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद कर दीजिए। 90% स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और जब फर्स्ट ईयर की यानी कि ट्रेनिंग का एक साल जब आप पूरा हो जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव एग्जाम ऑफ लेवल 1, जो 75 मार्क्स का होगा। और जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, देन यू विल बी रेडी टू गिव लेवल 2 एग्जाम। और इस लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम को देने के लिए आपको CA फाइनल में पहुंचना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। तो आपने अगर CA IPCC में ही रहे और आप लेवल 1 एग्जाम दे दीजिए, बाई चांस आप CA फाइनल का एग्जाम दे नहीं पाए, लेकिन आपकी ट्रेनिंग चलती रह रही है, तो उसी दौरान आपको लेवल 2 का भी एग्जाम देना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एग्जाम, क्योंकि वो आर्टिकल शिप आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे है, तो पूरा का पूरा एग्जाम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा। यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, उसी का वो एग्जाम लेंगे। क्वेश्चन बुकिश नहीं होगा, सारा का सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा। तो आपको आर्टिकल शिप सीरियसली करनी पड़ेगी। डमी वाले अपने आप इस एग्जाम के कारण फेल हो जाएंगे और उनको पता ही नहीं लगेगा, तो इंस्टीट्यूट को पता लग जाएगा। तो वैसे इस एग्जाम में कोई फेल और पास का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, सिर्फ ग्रेडिंग का। तो इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये ग्रेडिंग आपके जब फाइनल मार्कशीट आएगा उसमें भी नजर आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये आप मायने रखेगा। जो इंटरव्यू ले रहा है या जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, उसको पता लग जाएगा कि आपने ट्रेनिंग कितनी सीरियसली की है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है CA वालों ने, एक इनोवेटिव स्टेप है। तो CA, CS और CA में तीनों इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूं, तो CA फार अहेड सोचता है, बहुत आगे की सोचता है, और इन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम निकाला है। तो इट्स ए लॉडेबल स्टेप्स। और इनफैक्ट जिनके यहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे भी होंगे, तो उनके ऊपर भी एक छोटा सा प्रेशर तो मुझे लगता है होना ही चाहिए। और एग्जाम कब होगा, साल में 4 बार होगा, हर क्वार्टर में एक एग्जाम। तो ये क्वार्टर अप्रैल से शुरू नहीं हो रहा, जनवरी से शुरू हो रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल में जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा। तो उन्होंने पहला एग्जाम अनाउंस कर दिया थर्ड क्वार्टर में, 26 अगस्त 2018, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। अब आप इस एग्जाम में कब एलिजिबल हो सकते हैं, आपको अप्लाई करना होगा इस एग्जाम के लिए। अगर आप अप्रैल में, जून में, अगर आपको लगता है कि आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है इन दिस क्वार्टर, देन यू कैन सिट इन दिस एग्जाम। और अगर आप लेवल 2 में हैं, तो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग अगर इस क्वार्टर में कंप्लीट हो रही है, देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सिट इन दिस एग्जाम। लेवल 1 का एग्जाम 75 मार्क्स, लेवल 2 का एग्जाम 100 मार्क्स। तो यहाँ इन्होंने एग्जैक्ट लैंग्वेज हमने उतार दिया है, द स्टूडेंट्स हु वुड बी कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग एनी क्वार्टर कैन अप्लाई इन दैट क्वार्टर टू अपियर इन एग्जाम टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट क्वार्टर। 4 एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन ए ईयर, नो पास नो फेल क्राइटेरिया, ओनली ग्रेड्स विच शैल अपियर इन योर फाइनल मार्कशीट्स। ये यहाँ ये चीज लिखी हुई भी। अब ग्रेडिंग देखिए, ग्रेडिंग 20% की विंडो है, 80% एंड अबव ग्रेड ए। इसका मतलब अगर आप 20% कम मेहनत करते हैं और आप 80% अबव सबको उन्होंने एक ही खिड़की में डाल दिया, दैट इज ग्रेड ए। 60, 80, B, 40 एंड 60, C एंड अप टू 40 D, जिन्होंने बहुत मेहनत करके 100% लेके आया है, और जिन्होंने 20% कम मेहनत किया और वो 81 या 80 लेके आ रहे हैं, उनकी ग्रेडिंग सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्टीट्यूट ICI
ग्रीडिंग के अलावा मार्स भी लिख दे, कम से कम 99 और 100 लाने वाले में भी एक मार्स का तो डिफरेंस है ही। ग्रेडिंग्स आर नॉट हार्श क्योंकि 20% का वीडियो है, विंडो है। एनी स्टूडेंट्स हु स्कोर्स 80% और 100% डू नॉट मेक एनी डिफरेंस। अवर थॉट इज दैट विंडो ऑफ ग्रेड शुड नॉट बी मोर देन 10%। इट शेल हेल्प मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अंडरगो सीरियस ट्रेनिंग। नाउ बाय बाय दोज स्टूडेंट्स हु आर अंडरगोइंग डमी ट्रेनिंग। पेपर कौन सा है, क्या पूरा सी आईपीसीसी में जो 8 पेपर है फाइनल में 8 पेपर सारा पूछेंगे? नहीं। ट्रेनिंग के दौरान मैं वीडियो लेक्चर्स में भी आपको यही बोलता हूँ, क्लास लेक्चर्स में भी यही बोलता हूँ कि जीएसटी इंटर लेवल पे सिर्फ इसलिए है, थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इंटर लेवल में सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक ही इसलिए है क्योंकि आप ट्रेनिंग के वक्त सिर्फ उतना ही काम सीखते हैं, फिर अकाउंट्स वाले वो बताएंगे। तो जो कंपलसरी 50 नंबर का पेपर होगा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट लॉस, ये तीन पेपर आपका कंपलसरी होगा 50 नंबर का। मिक्स क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा मिक्स क्वेश्चंस। और इसका सैंपल पेपर है वो मैं अभी आपको दिखला देता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। और लेवल वन वाले को कोई एक पेपर इनमें से चुनना होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या इंटरनल ऑडिट। और लेवल टू वाले को इनमें से कोई दो पेपर चुनना होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या इंटरनल ऑडिट। तो कोई एक पेपर चुनेंगे तो वो 25 नंबर का होगा, तो 50+25 कितना हो गया 75। कोई दो पेपर चुनेंगे तो 50+25+25 कितना हो गया 100 मार्क्स हो गया, जो हमने यहाँ लिखा 100 मार्क्स। तो मैं यहाँ मार्क्स अगर लिखता हूँ तो ये 50 है, ये 20 है, ये 50 है। अब आप इसमें से कौन सा पेपर चुनेंगे? याद रखिएगा इंटरनल ऑडिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वही अपने यहाँ इंटरनल ऑडिट का सिस्टम रखती है। बैंक ऑडिट अगर कर रहे तो वहाँ इंटरनल ऑडिट होता ही होता है, लेकिन बाकी कंपनियां सिर्फ तभी इंटरनल ऑडिट करती है जब उनका टर्नओवर करोड़ों रुपये में हो। तो हमारा ये मानना है कि 90% स्टूडेंट्स अगर वो बिग फोर या बड़े सीए फर्म में नहीं है तो इंटरनल ऑडिट शायद चूज ना करें। Our take is most of the students will take DT and IDT as optional paper since internal audit experience can be gained only when you are in fairly large CA firm. अगर आपके पास internal audit का experience नहीं है practically तो इस paper को चुनिएगा मत, नहीं तो fail होने का chance probability बढ़ जाएगा क्योंकि ये कोई teacher आपको समझा नहीं सकता है, या आप तो training के वक्त ही जो आप सीखेंगे वही paper में होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरी एक बात सार्थक होती है जो मैं बार बार कहता हूँ, योर एडुकेशन इन टैक्स। तो एक बात मेरी जो बार बार सार्थक होती है, योर एडुकेशन टैक्स इज बेस्ट इफ यू कैन गिव टैक्स एडवाइस। तो हम लोग वीडियो लेक्चर्स में ऐसे ही बताते हैं कि आप टैक्स एडवाइस कर सके, प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो हम आपको बताते रहते हैं। अब मैं आपको जो ICAI ने पेपर रिलीज किया है सैंपल पेपर वो दिखलाता हूँ। तो ICAI का वेबसाइट है, यहाँ स्टूडेंट्स में बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट में गया और इंटरमीडिएट कोर्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। ये असेसमेंट ऑफ सीए स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग 12 जून 2018, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यही वाला खुल जाता है। यहीं पर इन्होंने सैम्पल पेपर टू प्रैक्टिस द सैम्पल क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो फिर लेवल वन के क्वेश्चन पेपर और लेवल टू के क्वेश्चन पेपर। मैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डील करता हूँ, मैं डायरेक्ट टैक्स में क्लिक करता हूँ तो ये टैक्स का क्वेश्चन पेपर है लेवल वन का, जिसमें बेसिकली कौन सा रिटर्न फॉर्म नंबर है, व्हाट इज द ड्यू डेट, फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की इनकम के बारे में कुछ बात कर रहा है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, फिर रिटर्न रिवाइज हो सकता है नहीं हो सकता, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है, TDS के बारे में, सेट ऑफ के बारे में, ये सब। तो बेसिकली जो भी आप प्रैक्टिकली सीखेंगे उसके बारे में। ये इनडायरेक्ट टैक्स का है, GST वाला, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में भी आपको बता देंगे। और जैसे मैं GST का देख रहा हूँ, अब GST में ईवे बिल के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ रॉन्ग डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस भी हैं, ये सब फाइनल लेवल के हैं लेकिन आपको लेवल वन के एग्जाम में ये सारे कुछ पूछा जा रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिकली शायद देखते होंगे, या तो इनको सिलेबस डिसाइड कर दें कि जो इंटर का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे, लेकिन इसमें GST में मैं कुछ देख रहा हूँ जो फाइनल लेवल के भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं। फाइनल लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, तो ये फाइनल लेवल के क्वेश्चंस हैं GST के।
तो इसमें तो खैर कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में तो कमेंट करना नहीं चाहिए। इंटर लेवल में हम लोग पूछ कह सकते हैं कि नहीं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, ये सैम्पल पेपर है। इंटरनेशनल टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्स, अगेन टीडीएस, अपील्स, ये सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हैं। नाइस नाइस, तो ऑब्वियसली आप जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये बहुत आराम से होगा। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसमें वीडियो क्लासेस में जाइएगा और नीचे में इनकम टैक्स एंड GST CIPC 90 आवर्स का कोर्स है, जिसमें हम आपको दो बुक देते हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स की बुक जिसमें फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स इनबिल्ट है 378 पेजेस, और GST की बुक देते हैं जो 231 पेजेस की है। यहाँ पर गेट इट में क्लिक कर लीजिएगा और ये ओपन हो जाएगा, बाय का बटन है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ डेमो लिंक है, यहाँ बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं आप, फ्री में है ये बुकलेट, जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो सारा नजर आएगा आपको। और डेमो लेक्चर्स देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये मेरा चैनल है इनफैक्ट। और कौन सा चैप्टर में हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं वो लिखा हुआ, तो आप बेसिकली आप बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अबाउट GST क्लासेस, तो एक एक चीज़ हमने लिखी हुई है, और यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक कीजिए आप, नेम, फ़ोन नंबर, ये सब सेलेक्ट एन ऑप्शन CIPCC इंटर, तो 7000 नवंबर 18 अटेम्प्ट के लिए, अगर आप मई 19 अटेम्प्ट चुनते हैं तो 9000 प्राइस हो जाता है। CS एग्जीक्यूटिव न्यू, तो CS वालों के लिए, सबके लिए है, तो आप चुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, उसके थ्रू कर लीजिएगा। तो हमारे टेस्टिमोनियल ये सब के बारे में देखना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाते कैसा है, तो यहाँ टेस्टिमोनियल है क्लासेस और बुक्स के बारे में, वो सारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।